हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट लगभग लगभग सभी जोन्स में आ चुका है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ढेर सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उनकी लिस्ट बहुत सारे जोन्स में अपलोड कर दी गई है। अगर जहाँ की नहीं आई है, वहाँ की भी जल्दी ही आने वाली है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है और उनको आज ही आपको बनवा लेना है ताकि उस टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, जैसा कि ग्रुप डी भर्ती में हुआ है। ओबीसी भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको दो सर्टिफिकेट ले जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। वो कौन से होंगे हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं होंगे तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, कोई दूसरा चांस आपको मिलने वाला नहीं है। और ये हम बताने वाले हैं हर एक कैंडिडेट के लिए, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए जरूरी वीडियो है। सब लोग इसको देख लीजिएगा। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2018 वाली भर्ती का। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हर एक डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसलिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है और इसके पेज नंबर 14 पे हमको चलना है डायरेक्टली, और वहीं पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी की सारी जानकारी मैं आपको ऐसे भी उसमें दे रहा हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या है, पॉइंट नंबर 16 पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जहाँ से मैं वहीं से आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाई कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज अप्लीकेबल फॉर वेरिफिकेशन आर एज अंडर। आपको क्या करना है, ये ऐसे कैंडिडेट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट, अगर आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया है तो वो ले जाना है हाई स्कूल का। ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तरीके से ये काम करता है। अगर आप ये नहीं ले जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसमें ये एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वहां पे काम करता है। आपका जो इसमें नाम होगा, पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, ये सारी चीजें आपके फॉर्म में भरे गए डेटा से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अभी भी ध्यान दे दीजिए, अगर आपके नाम में, माता पिता के नाम में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप इग्नोर मत करिए, करेक्ट करवा लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को। और अगर ये मिसमैच हो रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। अगला डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास में हो, जिस भी बोर्ड से आप रहे हो, हायर सेकेंडरी रहा हो, इंटरमीडिएट रहा हो, या उसके उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री रही हो, तो उसको आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल फॉर्म में। फिर है एनसीवीटी, एससीवीटी, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास रहा हो, उसको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स आपको ले जानी है, और उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आपको ले करके जाना है। अगर जहाँ भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है तो हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट इनको चाहिए, ये नहीं कि फाइनल ईयर की मार्कशीट या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। उसके बाद में कह रहा है एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा कि अनेक्सर वन में दिया हुआ है। तो अनेक्सर वन में अभी आपको दिखा दूंगा कि अनेक्सर वन में एससी और एसटी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से आप बनवा करके ले जाओगे। फिर लिखा हुआ है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर टू। एनेक्सर सेकेंड के तरीके से आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लेकर के वहां पे जाना है, और ये भी मैं आगे चल करके आपको दिखाने वाला हूं कि कौन सा सर्टिफिकेट ये होता है दोस्तों। उसके बाद आपको ले जाना है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जैसा कि सेकंड ए में दिया हुआ है, अभी मैं आपको इसको शो करूंगा, और उसको आपको भरवा करके ले जाना है ताकि आप
वहां पे डिक्लेयर कर सकें कि मैं नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को ही बिलोंग करता हूं और इसीलिए मुझे आरक्षण चाहिए। फिर लिखा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जिसके बिना वहां पे सीधा बाहर कर रहे और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में भी बाहर किया गया, तो इसको जान लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने ईबीसी भरा था। ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर आपने अपने फॉर्म में ईबीसी भरा हो तो ईबीसी को अगर आपने टिक किया होगा और आपने फीस में कंसेशन लिया होगा तो आपको अनेक्सा थर्ड की तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। तो ये थे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर के जाने थे। अब मैं और बताता हूँ कि क्या क्या लेकर के जाना है। जो एक्स सर्विस मैन है उनको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं। फोटो कॉपी लेकर के जाना है आधार कार्ड के दोनों साइड्स की। मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जो कि फिफ्थ ए, फिफ्थ बी और फिफ्थ सी एनेक्सर में दिया हुआ है। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे एम्प्लॉय जो कहीं पे वर्क कर रहे हैं उनको एनओसी लेकर के जाना है विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें कि आपके अपॉइंटमेंट का डेट भी पड़ा हुआ हो। अगर आप रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, तो भी आपको एनओसी लेकर के जाना है डेट ऑफ डिस्चार्ज का। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको नॉन जुडिशियल 20 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है उस पर, जो कि अनेक्सर फिफ्थ फोर्थ में यहाँ पे दिखाया गया है, उस पर ये मैटर टाइप करवा करके आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन उसका भी लेकर के जाना है। उसके बाद में अगर आपके नाम में कभी कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसका गजेटेड नोटिफिकेशन का जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आपको जाना है। जो आपने यहाँ पे देखिए 16.5 पे दिया, 16.15 पे दिया है रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू चालान एट। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया हो पोस्ट ऑफिस या एसबीआई के ब्रांच में तो चालान की स्लिप की फोटोकॉपी भी या रिसीप्ट भी आपको ओरिजिनली ले जाना है। फिर यहाँ पे ट्रांसजेंडर अगर कोई होगा तो सेल्फ सर्टिफिकेट करना है, सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है उसको। अगर कोई जम्मू और कश्मीर को बिलोंग करता है तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले करके जाना है ताकि वो सिद्ध कर सके कि हाँ हम जेएनके के ही है, मतलब जम्मू और कश्मीर के ही हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.F की तरीके से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर किसी का डिवोर्स हुआ हो या जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हो तो उनको उस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पे एफिडेविट लगाना होगा कि हाँ हम लोग इस कंडीशन में हैं और इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल केसेस नहीं है, नॉर्मली ऊपर ही था। और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो, अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई हो तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी वहां पे लगाएंगी। ये सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपने वहां पे फॉर्म में फिल किया होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं वो देखिए उनके रिगार्डिंग है यहाँ पे, उनको अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। नोट टू में दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से समझना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप वहां पे लगाओगे, रेगुलर डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, एनटीसी हो, एनएक की हो, उसमें आपका डेट ऑफ इशू वहां पे शो हो रहा हो कि किस दिन वो प्रमाण पत्र या वो डिग्री आपकी निर्गत की गई है। अगर वहां पे डिग्री आपकी जो निर्गत की गई है उसकी उसका डेट आपके नोटिफिकेशन के डेट के बाद का है तो आपको फिर से उन मार्कशीट्स को बनवाना होगा या ऐसे प्रूफ आपको देने होंगे कि जो हमने योग्यता प्राप्त करी है वो हमारे इस नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले की हैं और वो आपको बनवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करना होगा। ये चीजें थी। अब आइए हम आपको एनेक्सर 1, 2, 3 ये सब दिखा देते हैं। देखिए ये है एनेक्सर 1 और ये है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होता है। आपको सेम फॉर्मेट में बनवा करके ले जाना है। अगर आपका स्टेट फॉर्मेट में बना हुआ है तो ये लोग उसको मान्य नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो भी आपका बना हुआ है ये आपके फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये आप यहाँ से फॉर्मेट ले लीजिएगा, वाटरमार्क हो या ना हो, ये जो वाटरमार्क बना हुआ है ये उसमें हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एससी एसटी के लिए ही होता है।
उसके बाद में ओबीसी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें दो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था ओबीसी से। पहला एक सर्टिफिकेट ऐसा जो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो उनके पास में रहा हो, जैसे सपोज करिए पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में है और उसी बेसिस पे आपने फॉर्म भर दिया, तो एक तो सर्टिफिकेट वो हो गया। दूसरा सर्टिफिकेट इनको नया वाला चाहिए था जो कि एक साल से अंदर का बना हुआ हो, तो ये दोनों सर्टिफिकेट उस टाइम पे मांगे गए थे और आपके पास में भी उम्मीद यही है कि इसमें भी दो सर्टिफिकेट कास्ट के मांगे जाएंगे ओबीसी कैंडिडेट से। तो अगर आपके पास पुराना वाला है तो एक नया भी बनवा लीजिए, अभी भी अप्लाई करने का टाइम है, इसको आप बनवा करके रेडी रखिए, वहाँ पे मांगा जाएगा। अब देखिए ये ऑफिशियल फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवा करके ले जाना है। अगर आपका फॉर्मेट इससे डिफर कर रहा है, कहीं से भी आपने बनवाया हो, तो आपको दूसरा बनवा करके ले जाना है और वो वाला मान्य नहीं होगा। उसके बाद में आपको अनेक्सर सेकेंड ए में एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है कि हाँ हम अपने ओबीसी के एनसीएल से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, और ये आपको क्लेरिफिकेशन ये फॉर्म डाउनलोड करके और इसको भर करके आपको सबमिट करना होगा खुद से। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है इनकम सर्टिफिकेट की, कि जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को वहां पे सबमिट करना है। ये इनकम सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में बनेगा एनेक्सर थर्ड में, जैसा कि हमने बताया था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन देखिए द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ताकि हम ये पता कर पाए कि जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो क्या वाकई में आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, तो ये आपको बनवा करके वहां पे ले जाना है। उसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले जाना है। ये देखिए ये है एनेक्सर फोर्थ, जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है कि हाँ हम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे जैन हैं, सिख हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से लोग हैं, जैसे मुस्लिम कुछ आते हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और पारसी लोग हैं, ये सब इसमें आते हैं और इनको ये लेकर के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके, ये डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्मेट में लेकर के जाना है। और दो तीन सर्टिफिकेट होता है, ए बी और एक और होता है सी, और ये तीनों जिसको जिसके ऊपर जो लागू हो उसके हिसाब से उनको बनवा करके ले जाना है। फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद में ये जो विजुअली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए डी वाला है, तो ये कई फॉर्मेट में होता है, जिसके लिए जो जरूरी हो वो लेकर के जाना है। उसके बाद में जो असिस्टेंट लोको पायलट वाले अभ्यर्थी हैं एएलपी वाले, उनको उनका प्रोफार्मा दिया हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट का, कि जो कि एक आई स्पेशलिस्ट से बनवा करके ले जाना है, और इसी फॉर्मेट में वहां पे आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले करके जाने हैं दोस्तों। और ये अगर आपका एक भी नहीं होगा तो सीधे बाहर करेंगे, बाद में मौका मिले ना मिले, इसलिए सारी चीज़ें अभी मौका है आपके पास में, सारी चीज़ें अभी बनवा लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।